झारखंड में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। सभी दलों के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। इसी के तहत आज तमाड़ में आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने जनसभा को संबोधित किया और आजसू प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। इस मौके पर सुदेश महतो से बात की संवाददाता विनीत उपाध्याय ने। शुरू हो चुका है और विभिन्न राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं वो अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। हमारे संग सुदेश महतो जी हैं जो आजसू के प्रत्याशियों और पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। सुदेश जी, लड़ाई किससे देख रहे हैं आप? देखो, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, ये मैं पहले भी मैंने बता दिया। ये पूरा आजसू की भावना से, झारखंडी की भावना से वोट प्रोत्साहित क्षेत्र है और यहाँ लोगों की भावना स्पष्ट है कि वो पार्टी को मजबूत देखना चाहती है, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती है। कई जगहों पर बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं दिए, कई जगहों पर जैसे पीएम की सीट की बात करें वहाँ अपने प्रत्याशी नहीं दिए, तो क्या ये संभावना है आगे के लिए? ये चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ा जा रहा है, पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ रही है, अपने विचारों के साथ लड़ रही है। आगे के लिए स्कोप रखा है क्या आपने पोस्ट? ये 23 के बाद ही कोई बात करेंगे, 23 तक तो केवल हम झारखंडी भावना जिसका नेतृत्व हम कर रहे हैं। ये बार भी क्षेत्र की जनता ने आपके ही विधायक को चुना था लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, वो डेवलपमेंट की अगर बात करें यहाँ के क्षेत्र की, इस बार फिर आप वोट मांग रहे हैं? ये यहाँ के लोगों को इस पूरी घटना से वाकिफ है और हमारा निश्चित रूप से जो आजसू पार्टी को इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट के काम और दायित्व था, निश्चित रूप से उसमें 5 साल में शिथिलता आई है। बड़े नेता भी प्रचार कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, मुद्दे बताए जा रहे हैं राम मंदिर 370, उनका कितना असर पड़े? मैं स्पष्टवादी हूँ, जिस राज्य के लिए चुनाव हो रहा है वो उस राज्य में उसी राज्य के बेसिक मुद्दों पर मतदान की अपील करनी। मोदी भी प्रचार कर रहे हैं, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं और इन सब के बीच अब वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो पार्टी के नेता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो सुदेश महतो ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो इस बार का चुनाव होगा न सिर्फ तमाड़ का बल्कि राज्य का, वो झारखंड की जो मौजूदा स्थिति है उसके विकास के लिए इस बार वो लोगों से वोट मांगने निकले हैं। सहयोगी पवन के साथ विनीत उपाध्याय, तमाड़।